निकलने सही ना, मैं तो ऐसे ही बैठती हूँ घर में, उसको भी डालना ठीक है, ऐसे भी बैठती हूँ, खाना मैं ऐसे खाती हूँ, बकरी जैसे खाऊ घास खाऊ। ये देख मेरा दोस्त लंदन से आया, मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। सर्दी हो गई यार। श्री शिवा नमोस्तुभ्यम। प्यारे प्राणियों, सबसे पहले ये बताओ आप सबकी तबीयत कैसे है, सब ठीक चल रहा है ना, पढ़ाई कैसी चल रही है, और आप लोगों का AITS कैसे गया। मैं भी अपने AITS के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी अपने AITS में। बाय द वे मैंने न्यूज़ तो नहीं देखी है, बट मम्मी से मैंने ऐसा सुना है कि वापस से कोविड नामक बीमारी आने वाली है, ऐसा सच में है क्या? क्या बात कर रहे हैं बाबा। एनीवेज मैं सबसे पहले ना अपने AITS के बारे में बताती हूँ। हम लोगों का AITS था ना AITS 24th ऑफ दिसंबर को। मैं 10 बजे अपना AITS देने बैठ गई थी। चाहे मैं कोई टेस्ट सीरीज दे रही हूँ या फिर एक्चुअल एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रही हूँ नीट का, मैं हमेशा बायो केमिस्ट्री देन लास्ट में फिजिक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे फिजिक्स में सारे क्वेश्चन नहीं बनने वाले, जो जो आता है मैं फिर सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देती हूँ। बट इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है ये देखने के लिए कि इससे मुझे क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इस बार मैंने सबसे पहले फिजिक्स किया, देन केमिस्ट्री, एंड फिर लास्ट में बायोलॉजी अटेम्प्ट की। तो सबसे पहले तो मैंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, मतलब जितने थे सारे। जनरली मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मैं हमेशा लास्ट में फिजिक्स सॉल्व करती हूँ, तो जो जो मुझे आता है मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान देती हूँ, इसलिए मेरी नेगेटिव मार्किंग कम होती है फिजिक्स में। क्योंकि मैं इस बार सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर रही थी, तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की और जो जो मुझे सही लगे मैंने टिक किए। सेम केमिस्ट्री में मैंने किया कि जो जो मुझे सही लगे बस मैंने उन्हीं को टिक किया, बट सॉल्व करने की सभी को कोशिश की। तो इसके कारण ना फिजिक्स कंप्लीट करते करते मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, केमिस्ट्री में और खराब हो गया। फिर जैसे मैं बायोलॉजी अटेम्प्ट करने के लिए आई, तब तक टाइम भी बहुत कम बचा हुआ था और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि मैं बायोलॉजी के ईजी से ईजी क्वेश्चन भी सॉल्व करने में टाइम ले रही थी, एंड ऑब्वियसली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था और मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे। सच में मैंने प्रिपेयर जितना अच्छे से किया था वैसा मेरा पेपर बिल्कुल नहीं गया, बहुत गंदा गया। बट मेरी इस मिस्टेक से मुझे ये ज़रूर समझ में आ गया कि जो चीज़ें पहले आती है उस पर फोकस करना, सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश मुझे नहीं करनी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, जो आता है उसको पहले कवर करने की कोशिश करनी है। मेरा AITS का स्कोर बहुत गंदा आने वाला है एज़ कम्पेयर टू मेरी प्रिपरेशन। मैंने अच्छे से प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश की थी, बट जो हुआ मैंने बता दिया आपको, खैर छोड़ो। ओके, तो मैंने एक लैपटॉप स्टैंड ऑर्डर किया रिसेंटली, क्योंकि ना ऐसे बेड पर रख कर, सॉरी, ऐसे बेड पर रख के पढ़ो या फिर बेड पर रख, अरे यार। ओके, मैंने अभी ये लैपटॉप स्टैंड ऑर्डर किया है क्योंकि ना बेड पे रख के पढ़ो या फिर टेबल पे रख के पढ़ो, लैपटॉप हीट होने लगता है जिसके कारण और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इस बार मैंने ऑर्डर कर ही लिया। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है कुछ 325 या 350 के अराउंड, जब मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह में देखा तो यही कुछ 450 या 400 के अराउंड दे रहा था। मीशो पर मुझे थोड़ा सस्ते में भी पड़ गया, प्लस इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से लैपटॉप को बैलेंस भी कर रहा है, तो अगर किसी को ज़रूरत होगी तो आप ये वाला स्टैंड बाय कर सकते हो। प्लस मैंने कुछ वुडन कोम भी ऑर्डर की थी क्योंकि ना मैंने ऐसे कहीं सुना था, ऐसे कहीं नहीं, बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना था कि अगर आप नीम की वुडन कोम यूज़ करते हो ना तो उससे बाल भी कम झड़ते, प्लस आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है। मैं अभी पूरी टकली होते जा रही हूँ, मतलब मेरे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने सोचा यार आप ऑर्डर कर ही लेते साथ साथ, एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे उनको पता ही होगा कि मेरा साइड टेबल कैसा है और वहाँ पर पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो क्या करें? और पैरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पढ़ते वक्त, इसलिए ना मैं फिर बेड पे पढ़ना प्रेफर करती थी क्योंकि पैर दुखते थे यार उस स्टडी टेबल पे पढ़ने से। कैसी मुश्किल आए। ओए, कुछ गिर गया। दीदी आपका दिमाग का स्क्रू। वुमेन। ये जो है लगा हुआ था यहाँ पे, इसलिए इस पे और मैं इस पे पैर नहीं रख पाती थी पढ़ते वक्त, तो मैंने इसको निकाल दिया। क्या बोलते हैं जो बेड पे रख के खाते हैं? टेबल, पटिया, खाने की पटिया। तो फाइनली मैंने अपने कंप्यूटर टेबल को स्टडी टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कुछ भी तिगड़म करूँ तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी।
बट इस बार मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए घर से परमिशन मिल गई तो मैंने कर दिया। और कुछ स्टडी क्लिप्स आपको लास्ट में मिलेगी, जैसे कि मैं सो गई थी रात को टाइम से बट 2 बजे मेरी नींद खुल गई। ग्रूम अरे पागल ग्रूम ब्राइड और ग्रूम नहीं, ब्राइड और ग्रूम होता है और ये ग्रूम होता है, समझे? अरे कहना क्या चाहते हो? बताओ क्या करना है। मैं ऐसे तो मैं पढ़ने नहीं वाली, उससे बैठ के पढ़ूंगी। अरे तो कुछ सोचो ना। मेरा दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग नहीं है, मतलब मेरे को कुछ सोच नहीं रहा है। इसमें फिर कुछ वो नहीं हो सकता आपका क्या? डेकोरेशन वाई क्या वाई, ये टेबल पे क्या ही रखेगी? तो मतलब जो मैंने धनिया पत्ती मंगाई है पैसों से वो बना क्या वहाँ पे तेरी एक्स्ट्रा सामान जैसे कुछ कुछ चीज ऐसे ऐसे घूम के ले आकर फिर यहाँ से घूम कितना? मेरे पास ना वो व्हील चेयर नहीं है। मंगा दूँ? पैसे नहीं तेरे पास? अरे ये तो तेरी ड्राइंग है ना जब तू सुबह पढ़ रही थी। अरे मोती का उन्हें ट्यूमर बनाया। मत दिखाओ मत दिखाओ। अरे अपनी तस्वीर देख भी जा रही। मैं इसे मिटा दूंगी। इसमें का ग्लिसरीन गिरा है तभी चिपचिप है। बिच नो कॉपीराइट आ जाएगा। She is the Cinderella. कुछ भी गाती है ऐसा गाली जैसे गाली देती है। मेरी गला खराब हो गई है। मेरा भी गला दुख रहा है। मैं सर्दी की दवाई पी उसके कारण मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मैंने चावल खा लिया है। बोलो तू तो दही पीती है। दही रखा। रियल फुटेज नो ड्रामा। कितना फुटेज खाती है तू? कितना फुटेज खाती है? मैम एक फोटो। मैम 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 एक फोटो। नहीं नहीं मुझे नहीं करना। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है अगली बार। बाय 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 थैंक यू। हाय हाय पैर रखने की जगह हो गई मेरे पैर। हाय अब लग रहा है कि डेस्क पे बैठ के पढ़ रही हूँ। हाय रब्बा। अब मैं ना ऐसे क्या करूँगी, यहाँ पे ना ब्लैंकेट लपेट लूँगी पैर में ठंडी ना लग, कान में वो लगा लूँगी टोपू। टोपू लगाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी। बातें नहीं करनी तेरे से, बस जाना से। दीदी प्लीज टिकट खरीदो पहले। अब ये भी रिकॉर्ड करेगी कि मैं चुप हूँ। मेरे को नींद आ रही है। देखो ये तो कुछ शिफ्टिंग वाली क्लिप्स हो गई, जो मैंने टेबल शिफ्ट किया था और उसको मॉडिफाई किया था वो सब। और मैं सो गई थी रात को टाइम से बट 2 बजे मेरी नींद खुल गई तो फिर मैंने उठ के खा पी के फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। अभी रात के बज रहे हैं 2 और मेरी नींद खुल गई। मुझे नींद नहीं आ रही अब, तो जब तक की नींद नहीं आती है तब तक के थोड़ा सा कुछ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नींद का इंतज़ार करूँगी तो मेरे 1 से 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। वैसे मैं कफ से अब पी के सोई थी क्योंकि मेरे गले में हल्का हल्का पेन हो रहा है, बट पता नहीं क्यों मेरी नींद खुल गई बीच में। तो चलो शायद मेरे को ना भूख, एक्चुअली बताओ मेरे को भूख लग रही है, शायद भूख की वजह से ही ना मेरी नींद खुली है। तो अब जाती हूँ, थोड़ा देर पढ़ती हूँ, कुछ खाने को मिलेगा तो खाऊँगी। और देखो चार्जिंग, अरे रूम मुझे मेरे भाई पागल का। मेरे फ़ोन में सिर्फ 3% चार्जिंग है और मेरा चार्जर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर ये स्विच ऑफ हो गया तो मैं इसको ऑन कैसे करूँगी फिर। अब देखते हैं कोशिश करके अगर चार्ज हो गया तो ठीक है, मैं तो चली पढ़ने पर। वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी नाइट स्टडी करती हूँ, बट मैंने कफ सिरप पी ली थी ना इसलिए मेरे को रात को जल्दी नींद आ गई थी। और पता है मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहों की खटर पटर की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार जाके देख लेना चाहिए लोग कर क्या रहे हैं, पर मैं जाते ही सब भाग गए थे। एंड मुझे पता है अभी मैं वीडियोस बहुत कम डाल रही हूँ, मतलब बिल्कुल भी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे, क्योंकि थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो रही थी यार, घर में सब बिजी है, उसके भी एग्ज़ाम चल रहे थे। खैर अब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मैं कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर वीडियोस आते रहे।
भूख लगी है, देखते हैं कोई फ्रूट्स मिलेगा तो खा लूंगी। रात भर सोते नहीं हो क्या? मैं सो गई थी मेरी, लेकिन मेरी नींद खुली है। केला मम्मी वो हमारी नहीं आ रही, उधर से आ रही है बगल से। मेरे घर वालों की नींद यार इतनी कच्ची है, जब भी चोरी करने जाती हूँ हमेशा पकड़ी जाती हूँ। खैर मेरे को कुछ खाने को मिल गया, वैसे मेरा गला दुख रहा है, इसको खाने के बाद और तकलीफ होगी, पर भूखे पेट का सवाल है। मुझे ना मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नोट्स का रिवीजन करना था, तो ऑब्वियसली मैंने इसी टाइम कर लिया। और मैं थोड़ा बैकलॉग की अपडेट हूँ, तो क्योंकि AITS का मैं प्रिपरेशन कर रही थी, जिसके कारण मैंने ना 2 दिन फिजिक्स के क्लासेस अटेम्प्ट नहीं मैंने फिजिक्स के 2 क्लासेस अटेंड नहीं किए थे। तो हाँ, मेरे वो 2 क्लासेस का बैकलॉग है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको मैं कवर करूँगी। और GOC है, वापस से GOC को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने आज के दिन 2 लेक्चर देख लिए थे, अब 2 लेक्चर का रिवीजन कर लिया, उसके बाद फिर कल और ऐसे करके ना मैं सारे लेक्चर वापस से रिवाइज कर रही हूँ GOC के। और बस यार यही कुछ मुझे आप लोगों को बताना था कि मैं क्यों अभी डेली व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, मेरा थोड़ा सा बैकलॉग हो गया 2-3 लेक्चर का। एंड GOC के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, फिर मेरे AITS 2 के बारे में जो मैंने इतनी ब्लंडर मिस्टेक की, बट उस मिस्टेक से मैंने कुछ सीखा भी। वैसे आप लोगों का AITS कैसा गया मुझे बताना मत भूलना। और आज का ब्लॉग भी यही एंड करते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द से जल्द अपलोड करूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, जय श्री राम, जय माता दी।